मामा शिवराज पर कैसे भारी पड़े मोहन यादव। मोदी शाह की सोशल इंजीनियरिंग ने लालू अखिलेश का बढ़ाया पारा। नड्डा के पास ऐसा ब्रह्मास्त्र, अखिलेश का पीडीए और लालू का MY समीकरण चुनाव से पहले ही हो जाएगा फेल। कर्नाटक हिमाचल की हार से बीजेपी ने सीखी तीन ऐसी बातें, तीनों राज्यों में जैसे ही किया लागू मिल गई बंपर जीत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में तीन बड़े नाम चर्चा में थे, पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का, दूसरा नाम कैलाश विजयवर्गीय का और तीसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का, लेकिन तीनों को मात देते हुए बाजी मोहन यादव ने मार ली, जो इससे तस्वीर में बिल्कुल पीछे खड़े दिख रहे हैं लेकिन CM के रेस में सबसे आगे निकल गए। तो सवाल है कि आखिर मोहन यादव में ऐसी कौन सी खूबी है जो MP चुनाव में जीत दिलाने वाली लाडली योजना के नायक शिवराज भैया को हाईकमान ने साइड कर दिया। सियासी मामलों के जानकार कहते हैं इसकी तीन वजह हैं। पहला, बीजेपी हाईकमान ने छत्तीसगढ़ की तरह यहां नए चेहरे पर दांव लगाना उचित समझा। शिवराज, कैलाश विजयवर्गीय और पटेल जैसे नेताओं को 2024 चुनाव के लिए संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। दूसरा, देश भर में 47% आबादी OBC वोटर्स की है, विपक्ष OBC चिल्ला भी रहा है, इसीलिए ये करारा जवाब है। महाकाल के शहर उज्जैन से आने वाली 58 साल के मोहन यादव 2013 में पहली बार विधायक बने, उनकी छवि साफ नेता की है। तीसरा, बिहार में यादव वोटर्स पर लालू पुरानी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, अखिलेश यादव दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समीकरण बना रही हैं। ऐसे में यादव चेहरे को आगे कर बीजेपी ने एक साथ UP बिहार सब साथ लिया है, यानी शिवराज बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग में फिट नहीं बैठे हैं और ये बात उन्हें चुनाव से पहले ही पता थी, इसीलिए बार बार ये कहते घूम रहे थे कि मैं बहुत याद आऊंगा। बहनों ने कांटे निकाल दिए हैं, मैं CM पद की रेस में हूं ही नहीं। शिवराज के ये तीन बयान बताते हैं कि उन्हें पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि आपको 2024 के चुनाव के लिए कड़ी मेहनत करनी है और जहां दिग्गज नेता संगठन में होंगे वहां किसी भी पार्टी को सीटें बढ़ाने में मुश्किलें नहीं आएंगी। बीजेपी इस बार 400 पार नारे के साथ उतर रही है तो उसके हिसाब से मेहनत भी करनी होगी, इसीलिए विपक्ष के हर समीकरण का बीजेपी एक एक कर कार्ड ढूंढ रही है। साथ ही अपनी पिछली हार से सबक भी ले रही है। मोदी शाह के नेतृत्व में बीजेपी को काफी कम हार मिली है, बावजूद उसके उस हार से हाईकमान काफी कुछ सीखने की कोशिश करता है। आपको याद होगा कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हार के बाद बीजेपी ने CM चेहरा घोषित करना बंद कर दिया, विधानसभा चुनाव को सीधा मोदी से जोड़ दिया और प्रदेश में अगर अपनी सरकार है तो योजनाओं की बात की, उसके फायदे गिनवाए, वरना विपक्ष की सरकार है तो सीधा केंद्र की योजना से उसकी तुलना कर दी, जिससे पब्लिक में ये संदेश हो जाए कि राज्य की बजाय केंद्र की सरकार उनके लिए अच्छा काम कर रही है। BBC अपनी रिपोर्ट में एक वरिष्ठ पत्रकार के हवाले से लिखता है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी हार जीत दोनों से सीखती है। राजस्थान में बीजेपी का काम मैंने देखा है। राजस्थान में बीजेपी 1990 में पहली बार सत्ता में आई थी, 120 सीटों के साथ बहुत प्रभावी तरीके से सत्ता में आई, तो बीजेपी ने इसके बाद अपना एक दल बंगाल भेजा ये पता लगाने कि आखिर पश्चिम बंगाल में ऐसी क्या चीज है कि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी लगातार जीत हासिल करती आ रही है। बीजेपी में शुरू से ललक रही है कि नई घटनाओं से कैसे सीखा जाए। ये जो सीखने की ललक है ना, यही बीजेपी को बंपर जीत दिलाने का काम करती है, जबकि कांग्रेस कई राज्यों में ये जानते हुए भी कि इस गलती से हम चुनाव हार सकते हैं उल्टा दांव चल देती है और नतीजे उलट जाते हैं। इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं कि बीजेपी को हराना है तो बीजेपी की तरह नहीं बल्कि उससे एक कदम आगे सोचना होगा। फिलहाल ये कांग्रेस या राहुल गांधी की बस की बात नहीं है, हालांकि बतौर मतदाता ये आपको तय करना है कि किसे कौन सी कुर्सी मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश के नए CM के रूप में मोहन यादव का नाम सुनकर आपको कैसा लगा? क्या बंपर जीत के बावजूद मामा को साइड कर मोदी शाह की जोड़ी ने ठीक नहीं किया? कमेंट कर बताएं।